सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कैसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक को यदि आप सीख लेते तो आप अपने पेटीएम अकाउंट की केवाईसी फुली कर पाओगे। करना कुछ नहीं, उसके लिए पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। यदि आप पूरे स्टेप को फॉलो करते हो तो आप अपने पेटीएम अकाउंट का केवाईसी इजिली कर पाओगे। तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो इंटरेस्टिंग मोर फ्री पेटीएम कैश कमाना चाहते हो तो हमारे चैनल डेली लूट ऑफर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में आपको बेल आइकन दिखे बेल आइकन पर प्रेस कर दो। और साथ ही साथ इस वीडियो पर रखते 1500 लाइक का टारगेट, 1500 लाइक तो नॉर्मली करवा दो। तो यहाँ पे जो आपके शेयर का बटन है, जिनका भी केवाईसी नहीं हुआ, आपके फ्रेंड रिलेटिव जो भी है सभी के पास वीडियो को शेयर कर दो और नीचे आपके जो भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। तो गाइस इस पे 1500 एमबी का टारगेट बनता है क्योंकि यदि आप लिखते हो यहाँ पे यूट्यूब पे पेटीएम के वाई सी, ठीक है ना, पेटीएम के वाई सी, तो भाई लोग काफी सारी वीडियोस आएंगी जहां पे उल्टी सीधी बात है कॉल रिकॉर्डिंग सुना जाता, कुछ और सुना जाता है ना, तो साफ सीधी बात है यार मतलब कि उन सब वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो उन पे जब आप लाइक कर सकते हो तो यार इस वीडियो पे 1500, जब मैं आपको रियल ट्रिक बता रहा हूं तो 1500 लाइक यार कोई बड़ी बात नहीं है, तो यार 1500 लाइक कर दो, ठीक है। तो कौन सी अपडेट है जिसके जरिए आप पेटीएम के वाई सी कर पाओगे, मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो सिंपली देख सकते हो ये मेरा पेटीएम अकाउंट है और मैं आपको दिखा देता हूं कि पेटीएम के वाई सी मेरा हो चुका है नहीं हुआ। तो यहां पे देख सकते हो मेरा पेटीएम के वाई सी हो चुका है, यानी कि वेरीफाइड टिक आ रहा है, यानी कि मेरा पेटीएम के वाई सी हो चुका है। तो पता कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हो पे वाला ऑप्शन है जहां पे मैं किसी को पैसा भेजूंगा अपने अकाउंट से तो मेरा पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक नंबर पे भेज रहा हूं और यहां पे देख सकते हो मेरा पैसा जा चुका है, यानी कि इससे पता चलता है कि मेरा पेटीएम अकाउंट फुली के वाई सी हो चुका है और देख सकते हो मैं किससे पैसा ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं ना। तो भाई मेरा पेटीएम के वाईसी हो चुका है, अब आपको बताऊंगा किस तरह आपको पेटीएम के वाईसी करना है, ठीक है। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा यूट्यूब पे आपको ढेर सारी वीडियो मिलती है जहाँ पे उल्टी सीधी बात बताया जाता है, तो यार उस पे तो इसके बदले इस पे लाइक तो मिलता है ना, जब वहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया जाता, जब मैं आपको पूरा टू फुल ट्रिक बता रहा हूँ केवाईसी का तो इस पे एक लाइक तो बनता है ना। तो मैं आपको बताऊँ कौन सा पेटीएम ने अपडेट दिया, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ट्विटर अकाउंट पे। ट्विटर अकाउंट पे जाने के बाद आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपना पेटीएम केवाईसी करना है। यहाँ पे पेटीएम केवाईसी देख सकते हो मैंने किया है, ठीक है ना, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पेटीएम केवाईसी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देखो गाइज मैं आपको बताता हूँ पेटीएम का कौन सा अपडेट है। देखो यहाँ पे एक बंदे ने क्या है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू पे मनी बट अदर वर्ड पेटीएम बैंक आज फॉर केवाईसी। तो इन्होंने केवाईसी के रिगार्डिंग ट्वीट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम केयर ने क्या रिप्लाई किया था, हाई काइंडली शेयर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंडर योर नंबर एंड ईमेल एड्रेस बाय डीएम डेट सो वी कैन रजिस्टर यू, थैंक यू। यानी कि खुद पेटीएम केयर ने कहा कि हम केवाईसी करेंगे, आपको अपना नंबर से सेंड करना है जिससे हम अपना जितने भी इंफॉर्मेशन हो गए आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपका केवाईसी करना है। तो यहां पे देख सकते हो यदि आपका अकाउंट केवाईसी नहीं है तो पता कैसे करना है, पहले यहां पे केवाईसी नहीं है तो आपके अकाउंट में यार ऐसा शो होता होगा, जैसे कि आपको भी पता होगा हां भाई ऐसा शो हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए करना है कुछ नहीं, आपको पूरा ट्रिक मैं बताता हूं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप जाते हो यहां पे वेबसाइट पे और वेबसाइट पे लिखते हो पेटीएम केवाईसी, ठीक है ना, यहां पे पेटीएम केवाईसी लिख के यदि आप कोई भी लिंक पर टैप करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो यहां के लिंकों पर टैप मत करना क्योंकि यहां के लिंक से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो गाइस यदि आप यहाँ पे अपना आपको पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जैसे कि कोई भी नरेगा का कार्ड डालते हो, एज एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पे आप भी डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एक पॉपअप सा शो होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो यही आपके पास पॉपअप शो होता है। तो गाइस इसका क्या है, मैं आपको क्या सॉल्यूशन है ये भी बताऊंगा, जितने भी प्रॉब्लम है सभी के सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे यदि आप केवाईसी भी नॉर्मली लिखोगे तो आपके पास एक ही पॉपअप आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, चाहे ट्राई अगेन कितनी बार भी करोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, यहां पे आपको मैं बता देता हूं, यहां पे 24/7 हेल्पलाइन पे जाना है। उसके बाद गाइस प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, अब मैं आपको बता देता हूं क्योंकि न्यू अपडेट आया तो मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा। तो यहां पे प्रोफाइल एंड पेटीएम केवाईसी पे जाना है, उसके बाद आपको यहां पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद गाइस यदि आपको फुल केवाईसी करना है, फुल केवाईसी पे टैप करना है। उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले गाइस आपको यहां पे जो भी रैंडमली है आपके कोई भी डिटेल्स हो यहाँ पे फिल कर देना, उसके बाद आपको जो भी एरर्स आए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ और देन उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद ओके पे टैप कर देना है। उसके बाद एक केवाईसी यहाँ पे लिखना है और केवाईसी जो लिखने के बाद जो भी आपका एरर आता है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। दोनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पेटीएम एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद 24/7 हेल्पलाइन पे जाना है। 24/7 हेल्पलाइन पे जाने के बाद आपको मोर एंड प्रोडक्ट सर्विस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल एंड पेटीएम केवाईसी पर टैप करना है। देन उसके बाद आई एम अनेबल टू डू पेटीएम केवाईसी, उसके बाद आपको करना है आई वांट टू कंप्लीट फुल केवाईसी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे करना है कि आपको मैसेजेस पर टैप करना है। उसके बाद जो भी आपने फोटो लिया है उसमें से कोई भी एक अपलोड कर दो, जैसा कि मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।
आपको मैसेज में सिंपली ये लिखना है, हेलो आई एम सर अनेबल टू डू पेटीएम केवाईसी, माय मोबाइल नंबर इज, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो ठीक है ना विद पेटीएम वॉलेट इज डैश डैश जो भी आपको लिंक हो, सो काइंडली चेक व्हाई यू ओनली वन एरर शो एवरी टाइम दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग, सो काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज डू माई पेटीएम केवाईसी एज सुन एज पॉसिबल ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है माई होम एड्रेस दिल्ली ठीक है, जो भी आपका होम एड्रेस प्लीज रिक्वेस्ट आ केवाईसी सर्विस रिक्वेस्ट एट माई होम, उसके बाद सेंड कर देना है। उसके बाद 24/7 हेल्पलाइन के जरिए आपके पास 24 अंदर की अप्लाई रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा तो गाइस इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और गाइस जो और भी एक ट्रिक है जिसके जरिए आप पेटीएम केवाईसी कर पाओगे, कौन से ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज चले जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे 24/7 हेल्पलाइन पे आना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, मोर प्रोडक्ट एंड सर्विस पर टैप करना है। उसके बाद गाइस आपको प्रोफाइल एंड केवाईसी पर टैप करना है। उसके बाद भाई जैसे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आई अनेबल टू लोकेट केवाईसी। उसके बाद नियर बाय केवाईसी सेंटर पर टैप करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लोकेट नियर बाय केवाईसी सेंटर, किस तरह आपको पता करना होगा मैं बता देता हूँ। आपका जो भी स्टेट हो, एग्जाम्पल के लिए मेरा दिल्ली है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आपको जो भी आपको कर लेना। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे जितने भी आउटलेट्स होंगे केवाईसी का सभी आ जाएंगे, जहाँ से आप जाके उन्हें पर्टिकुलरली देख सकते हो। यहाँ पे टाइम भी मेंशन है और डेट भी मेंशन है, किस डेट को यहाँ पे जा सकते हो और पूरा का पूरा एड्रेस है। तो इस प्रकार से आपको जा सकते हो, कहीं भी विजिट कर सकते हो केवाईसी सेंटर पे और उन्हें बताओगे कि हाँ मेरा केवाईसी करना है तो आपका केवाईसी कर देंगे। तो करना कुछ नहीं यार, बहुत ही इजी स्टेप्स है, तो इन्हें फॉलो करोगे तो आपका पेटीएम केवाईसी इजीली हो जाएगा। तो और भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको एक और भी ट्रिक मिलता है, इसमें काफी सारी ट्रिक बता रहा हूँ, इनमें से एक ना एक वर्क करेगा जिसके जरिए गाइस आप सभी के लिए अलग अलग ट्रिक को अप्लाई करोगे तो आपका केवाईसी 100% हो जाना है ठीक है। आई वांट टू रिक्वेस्ट केवाईसी होम ठीक है ना, तो उसके बाद लोकेट आपको करना है। लोकेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको वही दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दिल्ली आप देख सकते हो यहाँ पे वही आपका पूरा डिटेल आ रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है उसके जरिए आप पेटीएम केवाईसी कर पाओगे यदि आप जाना चाहो तो, या घर पे भी बुला सकते हो। तो और भी एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक क्या है, आपको फेसबुक पे जाना ठीक है ना। फेसबुक पे जाने के बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पे जाने के बाद सिंपली आपको करना है क्या है, यहाँ पे लिखना पेटीएम ठीक है। पेटीएम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज टाइप करना है। उन्हें मैसेज क्या टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे पेटीएम का जो पेज मिलता है तो आपको यहाँ पे सेंड मैसेज पर टाइप करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस ये यहाँ पे आपको पेटीएम का केयर मिलता है जहाँ पे आपको मैसेज क्या सेंड करना है मैं बता देता हूँ। आई ट्राइड माय पेटीएम केवाईसी मेनी टाइम बट आई अनेबल टू डू पेटीएम केवाईसी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज फास्ट एज पॉसिबल, तो आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैसेंजर के जरिए सेंड हो, तो ये पेटीएम का पेज है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो पेटीएम से तो आपका रिप्लाई आ जाता है ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी डाउट हो यानी कि केवाईसी के रिलेटेड तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हो, तो आपका रिप्लाई आ जाएगा। यदि आपके पास यहाँ पे जो पेटीएम का यहाँ पे आप देखते हो यहाँ से यदि आपका रिप्लाई नहीं आता 24/7 में हेल्पलाइन में के जरिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैसेज को बिल्कुल ही आपको फॉरवर्ड कर देना है कि आई ट्राइड मेनी टाइम पेटीएम केवाईसी बट अनेबल टू डू पेटीएम केवाईसी, तो आपके पास रिप्लाई यहाँ से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो केवाईसी के रिलेटेड या आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट बुलाना हो केवाईसी का तो यहाँ से बुला सकते हो। तो आशा करता हूँ यार वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, देख सकते हो मेरा यूज़र आईडी ये है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।